there are many type of researches which generally get publication uh, at times they are the research study which are based on cases and those cases are, uh, are a different kind of research and it need to be published into a different manner so here we are talking about publishing case studies and narratives many mental health professionals welcome learning from the qualitative analysis of stories interviews field studies case notes journal narratives एंड अदर सोर्सेज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस जैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं उनकी जब डिटेल केस स्टडीज़ की जाती हैं उनके नारेटिव लिए जाते हैं तो एट टाइम्स दे अदर रिसर्च विच आर क्वालिटेटिव इन नेचर जिनके ऊपर हम आ, बहुत डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं सम वर्क एक्सप्लोर सिम्टम्स सजेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सक्सेसफुल आउटकम्स और एलिस्ट्रेट और इन लिविंग थेरीज ये जो वर्बैटम्स होते हैं ये जो नोट्स uh, होते हैं ये जो नार्टिवस होते हैं ये बिल्ड करते हैं कि हम डिफरेंट तरह के जो क्लाइंट्स हैं उनके सिमटेमोटोलॉजी को देख सकें उनकी डेमोग्राफी को देख सकें उनके लाइफ एक्सपीरियंस और उनके लिव्ड एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डेवलप कर सकें पब्लिशिंग मटेरियल बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स और अदर इज़ नॉट इन अनएथिकल ऑफ कोर्स ये कोई अनएथिकल बात नहीं है कि हम उनकी डिटेल स्टोरी पूछें उनके सिम्टम्स पूछें उनके लाइफ एक्सपीरियंसिस पूछें बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन आस्किंग But how we can keep that record is an issue. Issues regarding informed consent, confidentiality and privacy invasion pertain that should be tackled very carefully because in many of the cases, अगर वो जो सारा documentation है, वो properly handle नहीं किया जाता, उसके साथ सारे records के साथ ये tags नहीं लगाए जाते कि codes लगाए जाएँ, उसकी सारी identity को जो है वो वहाँ से खत्म करके उसकी बजाय वहाँ पे कोई alphabets या कोई numerics लगाए जाएँ तो वो केसेस इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि ये लाइफ स्टोरीज किन इंडिविजुअल्स और किन क्लाइंट्स की हैं मोर रिसेंटली वी हैव सीन अ मूवी जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक राइटर जो है वो लोगों से मिलता है और उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में पूछता है और वो उसको उनको अपनी आ, सारी लाइफ की कहानी बताते हैं और उसके बाद वो उनको इन फॉर्म ऑफ अ बुक पब्लिश कर देता है विदाउट यू नो हाइडिंग देयर नेम्स विदाउट हाइडिंग देयर आइडेंटिटी एंड रिटर्न ऑफ़ दैट द परसनस हुर बीग एक्सपोज टू द स्टोरीज वो स्टोरीज बेस्ट बुक सेलर बन जाती हैं लेकिन वो इंडिविजुअल जो है वो सुसाइड कमिट कर देते हैं बिकॉज दे आर बीग आइडेंटिफाइड बाई मनी ऑफ द पीपल एंड उनकी जो लाइफ स्टोरीज थी वो लोगों के सामने एक्सपोज होगी पिच दे वॉन्टिड टू कैप्टेन कॉन्फिडेंस सो दे आर दिमिलरली मेनी इशूज के ये केस स्टडीज़ जो हैं ये कभी भी अगर um, जो है इनको सही तरीके से

लेकिन फिर भी इस चीज़ का बहुत ज्यादा चांस रहता है कि जब आप एक केस को डिटेल से पब्लिश कर रहे हैं तो उस फैमिली के कोई मेम्बर को या उस इंडिविजुअल को खुद पता लग सकता है कि ये केस किसका है पर इन दे, में भी चांस कि किसी और को ये पता ना चले कि वो केस किसका है लेकिन जिस इंडिविजुअल का वो केस है या उसके फैमिली के क्लोज जो मेम्बर्स हैं दे कैन ईजिली गेट टू नो अबाउट दिस कि ये केस जो है वो किस इंडिविजुअल के बारे में है सो वन नीड टू क्रिएट सम वाइजर कंटेंट और उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है इसके ऊपर एथिकली काम करना बहुत ज़रूरी होता है फर्दर मोन इफ़ एक्सट्रीमली डिटेल डिस्क्रिप्शन सच एज इसली अवर बैटम ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द थेरेपी नोट्स जैसे उस इंडिविजुअल ने अपनी लेट से ही हैज़ बीन थ्रू सम समवियर डिप्रेशन और उसको सुसाइड की थाट्स आती रही और वो थाट्स क्या थी उसके जो डिटेल वर्बैटम्स थे उनके अगर कोड्स जो हैं वो केस के साथ पब्लिश कर दिए जाती हैं दैट कैन ईजीली भी आइडेंटिफाइड ये किसके वर्बैटम्स हैं सो so, चाहे uh, uh, आपने उसको अपनी तरफ से बड़ा डिस्काइज करके केस को प्रेजेंट किया है बट अगर वो इंडिविजुअल उसको uh, uh, जो है वो डिस्कवर कर लेता है कि ये उसके वर्बैटम थे और वो उस कंटेंट को पब्लिश किया गया है विदाउट हिज कंसेंट ऑफ कोर्स नो वन गिव कंसेंट टू पब्लिश दिस काइंड ऑफ मटीरियल सो वो कोर्ट में उसकी फेवर में जाएगा और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकोथेरेपिस्ट हैज़ टू पे फॉर दैट कि उसने उसके वर्बैटम को क्यों इलीगली यूज किया है So, while uh, publishing all that kind of scholarly work, and especially the case studies, it is very much important to remain in the ethical boundaries to safeguard yourself from different issues such as facing the court.